This is Dr. Primrita Sharma, your chemistry teacher. Today we are going to start IUPAC nomenclature. तो मैं सरस्वती माता का वंदन करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करती हूँ. तो आपके लिए सबसे पहले एक मोटिवेशनल क्वोट है, वो क्या है? जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है. जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है. मान लोगे तो हार होगी, ठान लोगे तो जीत होगी. सो हमने ठान लिया, हमें केमिस्ट्री को समझना है. नाउ कंटिन्यू. तो व्हाट इज द टॉपिक? क्या टॉपिक है आज हमारा जो हमें डिस्कस करना है? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर. तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर वी ऑलरेडी लर्नड इन प्रीवियस क्लासेज. सो कंटिन्यूशन ऑफ द टॉपिक. तो कंटिन्यूटी में ये हमारा टॉपिक चल रहा है. हाइड्रोकार्बन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. हाइड्रोकार्बन दोज कंपाउंड कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन. देर इज सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड मीन्स एल्केन. इन एल्केन स्ट्रेट चैन एंड ब्रांच चैन. तो टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ब्रांच चैन एल्केन. तो आईपीसी नोमेनक्लेचर सेकेंड एल ब्रांच्ड चैन. ब्रांच्ड चैन एल्केन. ब्रांच चैन एल्केन्स. सो ब्रांच चैन एल्केन्स मीन्स व्हाट इज द मीनिंग? देर इज नो स्ट्रेट चैन. कार्बन्स आर नॉट अरेंज्ड इन स्ट्रेट चैन लाइक दिस. कार्बन स्ट्रेट चैन में प्रेजेंट नहीं होंगे. कैसे प्रेजेंट होंगे? वन कार्बन अटैच विद मोर देन टू कार्बन. मोर देन टू कार्बन मे बी थ्री मे बी फोर मे बी फाइव. तो मोर देन थ्री कार्बन. सो दीज आर कॉल्ड द ब्रांच चैन एल्केन्स. नाउ वी विल डिस्कस वन बाई वन. देर इज कॉमन नेम वी राइट हियर कॉमन नेम. देन स्ट्रक्चर we write here structure and IUPAC name. So first example for branch chain alkane is isobutane. We can take any example. Iso, neo, and I already told you about these are used in common name. Iso, neo, and N. हमेशा किसमें काम में आते हैं? कॉमन नेम में. तो स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे आइसोब्यूटेन की? देखो आइसो वन टू थ्री एंड फोर. हाउ मेनी कार्बन? फोर. अब आपको क्या करना है बेटा? सेटिस्फाइड विद हाइड्रोजन. हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड करो CH3. H3 आप ऐसे भी लगा सकते हो, आगे भी लगा सकते हो, देर इज नो इश्यू. यहां हमें क्या लगाना होगा? हाइड्रोजन को पुट करना है. समझ में आया? यहां बेटा हम क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन. यहां भी हम क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन. क्लियर? तो वन टू थ्री फोर दिस ग्रुप इज कॉल्ड आइसो एंड फोर कार्बन सो इट्स नेम इज आइसो ब्यूटेन. अब इसका आपको क्या नाम लिखना है? आईपीसी नेम. कैसे लिखेंगे आईपीसी नेम? लेट्स सी. सेलेक्ट द लॉन्ग कार्बन चैन. सबसे पहले आपको कंटिन्यूअस लॉन्ग कार्बन चैन सेलेक्ट करनी है. अब नंबरिंग स्टार्ट कहां से करोगे? वन टू वन टू. बोथ पोजिशन इज इक्वल. आप लेफ्ट साइड भी कर सकते हो, राइट साइड भी. वन टू एंड थ्री. वॉट इज इट्स नेम? कैन यू टेल मी इट्स नेम? टू मिथाइल. इट्स नेम इज टू मिथाइल. This indicate the position. This is substituent. This is position. Name of substituent methyl. Use as a prefix. So, and 1, 2, 3 carbon prop. Functional group is ane. Propane. Suffix is ane. Suffix क्या है आपका? यह ane होगा. It's clear. Now second example. We can write second example here. After isobutane, iso pentane.
आइसो पेंटेन. इट्स अगेन वेरी इजी. हाउ टू राइट द स्ट्रक्चर, हाउ टू मेक, फर्स्ट मेक द स्केलेटॉन. अगर आप स्केलेटॉन बनाना सीख जाओगे तो आपको स्ट्रक्चर बनानी इजी हो जाएगी. आइसो ग्रुप कौन सा होता है? सी सी एस थ्री सी एस थ्री. अब आपको क्या करना है, कार्बन फोर बॉन्ड बना सकता है, हमें हाइड्रोजन लगाने हैं. हाइड्रोकार्बन पड़ रहा है तो आप हाइड्रोजन अटैच करोगे. सी एस थ्री सी एस थ्री, टर्मिनल पर हमेशा सी एस थ्री होगा, सी एस थ्री, ये हो गया हमारे टर्मिनल. अब यहाँ हाइड्रोजन कितने चाहिए, टू, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, सी एच टू. यहाँ हाइड्रोजन आपको कितने चाहिए, आप एच लगा दो, हो गया बैलेंस, फोर बॉन्ड बन गए. अब अगेन स्टार्ट द नंबरिंग. नंबरिंग स्टार्ट करो बेटा, कैसे करोगे, नाउ सेलेक्ट द लॉन्ग कार्बन चेन. ये हमारी हो गई बिट्टू लॉन्ग कार्बन चेन, समझ में स्टूडेंट्स. अब बेटा नंबरिंग स्टार्ट करें, वन टू थ्री, ये थ्री पोजिशन है, वन टू थ्री, तो आप यहां से नंबरिंग करोगे, वन टू थ्री फोर. बार बार में आप प्रैक्टिस करें. तो नाम क्या होगा इसका, नेम बताइए, नेम क्या होगा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव है इसलिए आइसोपेंटेन. आईपीसी नेम हम कैसे लिखेंगे अब, नाउ टू मिथाइल एंड फोर कार्बन ब्यूटेन, ब्यूटेन. सो इट्स नेम इज क्लियर. नाउ वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल. देर आर सो मेनी एग्जाम्पल. आइसो हेक्सेन, आइसो हेक्सेन बना सकते हैं. हेक्स का मतलब सिक्स कार्बन, सिक्स कार्बन अरेंज करते हैं, वेरी सिंपल. वन टू थ्री फोर फाइव एंड देन सिक्स. सेटिस्फाइड विद हाइड्रोजन, 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 देन अगेन हाइड्रोजन. नंबरिंग कैसे करना है, नंबरिंग अगेन वही पैटर्न है अपना रहा, नंबरिंग उसी मेथड में होगा. सेलेक्ट द लॉन्ग चेन, ये हमने बेटा लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर लिया. अब नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव. अब आपको नजर आ रहा है टू पोजीशन पर कौन सा ग्रुप अटैच है, मिथाइल. क्या नाम होगा, वेरी सिंपल, टू मिथाइल, टू मिथाइल हेक्सेन, टू मिथाइल हेक्सेन. अगर आपने सी एस थ्री को यहां अटैच कर दिया तो वन टू थ्री, ओके, वन टू थ्री फोर फाइव, टू मिथाइल, व्हाट इज द नेम, करेक्ट इट, व्हाट इज द नेम, टू मिथाइल, वन टू थ्री फोर फाइव, टू मिथाइल पेंटेन, ओके, करेक्ट इट. So do correct. So what is the name? 1, 2, 3, 4, 5. 2 methyl, 2 indicate the position. 5 word root, pentane. If we attach methyl here, अगर आप methyl यहां attach करोगे तो position हो जाएगी 1, 2, 3. 3 methyl pentane. Now it's clear. Again, next example like neopentane. These are three examples, isobutane, isopentane, isohexane. Next, fourth number, the example four is neopentane. Try to make the structure neopentane, then I will explain. जब तक मैं इसे रब करती हूँ, आप लोग structure बना के practice करें. What is the neopentane, so number fourth. How to write neopentane? Neopentane. You can write neohexane. So first of all हम neopentane बनाते हैं. Neo का मतलब one, two, three, four. Four carbon attach. Four carbon attach. सब terminal है आपको नजर आ रहे हैं. टर्मिनल हमेशा कौन से होते हैं बेटा, सी एच थ्री. अब इसका आपको नाम लिखना है, नाम कैसे लिखोगे,
आपको सेलेक्ट करनी है लॉन्ग कार्बन चेन, देयर इज ओनली 3 कार्बन इन बोथ केसेस, वर्टिकल भी ले सकते हैं हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं, बस आपकी चेन जो है वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए, देयर इज नो ब्रेक। कार्बन चेन हमेशा आपको लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस सेलेक्ट करनी है। ओके, तो नंबरिंग स्टार्ट 1, 2, 3। तो व्हाट इज द नेम नाउ, यू कैन राइट 2, कॉमा लगा दिया। दोबारा दूसरी पोजीशन पर भी मिथाइल है तो 2, 2। अब सेम ग्रुप है तो हम क्या लगा सकते हैं, डाई मिथाइल, 2, 2 डैश डाई, 2, 2 डैश डाई मिथाइल एंड 1, 2, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा, प्रोप। तो 2, 2 डाई मिथाइल प्रोपीन, व्हाट इज इट्स नेम, 2, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। नाउ अनदर एग्जांपल 5, नियो हेक्सेन। आई थिंक अब आप बना लेंगे, कैसे बनाना है देखो दोबारा। नियो ग्रुप तो है ही है, ठीक है, एक कार्बन आपको और इंक्रीज करना है तो क्या करेंगे हम, देखो सी, 5 तो हो गए पेंटेन के, एक कार्बन और हमने अटैच कर दिया, बन गया नियो हेक्सेन, वेरी सिंपल। अब आप क्या करोगे, CH3, यहाँ भी हम CH3 अटैच करेंगे, CH3, CH2 एंड CH3, बहुत इजी है। अब नाउ नेक्स्ट अपना क्या होगा प्रोसेस, तो ये तो हो गया नियो हेक्सेन, कॉमन नेम है, अब हमें क्या लिखना है इसका IUPAC नेम, कैसे करना है। सबसे पहले 1, 2, 3, 4 कोई भी सेलेक्ट कर लें, 1, 2, 3, 4 ये हमने 1, 2 पोजिशन पर कोई सी भी चेन आप सेलेक्ट कर सकते हो। नंबरिंग स्टार्ट 1, 2, 3, 4, क्या नंबरिंग होगी इसकी, 1, 2। अगर आपने यहाँ लिया 1, 2, 3, 4 ये भी चेन ले सकते हैं हम, 1, 2, 3, 4 ये भी ले सकते हैं, ऑल आर इक्वल चेन। सो नेम इज अगेन 2, 2 डाई मिथाइल, क्लियर, 2, 2 डाई मिथाइल, 2, 2 डाई मिथाइल। 4 को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट, तो नाम क्या हो गया, ब्यूटेन, आई थिंक इज क्लियर। तो हाउ टू राइट द ब्रांच एन एल्केन, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ द ब्रांच एंड एल्केन। नाउ देयर इज सम रूल फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच एंड एल्केन, तो वी विल डिस्कस सम रूल्स, कौन कौन से रूल्स हैं जिनसे हम ब्रांच एंड एल्केन्स के नाम दे सकते हैं। अभी जो आपने एग्जांपल्स पढ़े हैं दोबारा रिपीट होंगे और हम उसे समझ पाएंगे कि कैसे इनका हमें नाम लिखना है। तो ब्रांच एंड एल्केन में फर्स्ट पॉइंट रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर, तो फर्स्ट रूल क्या होगा ब्रांच एंड का, देर आर सम रूल्स, फर्स्ट रूल होगा लॉन्गेस्ट चेन रूल। इसका मतलब आपको सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करनी है, और चेन कैसी होनी चाहिए, कार्बन चेन इज कंटिन्यूअस, तो कार्बन चेन आपकी कंटिन्यूअस होगी। तो लेट्स एग्जांपल, देयर इज सम एग्जांपल, CH3, CH2, CH3, then CH2, CH2, and CH2, CH3. Now, CH2 and CH2. CH
3. So there is example 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ओके अगर हम ये कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे तो आपको कितने 7 एटम मिलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ओके अगर आप ये सेलेक्ट करते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अगेन 7 कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, देयर इज 6 कार्बन. तो वी हैव टू सेलेक्ट दोस चेन विच कंटेन मोर कार्बन एटम. तो यहाँ आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 कार्बन है. यहाँ आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन है. यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन है. अब आपके पास दो जगह 7 कार्बन है तो हम कोई सी भी चेन ले सकते हैं. ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो सेलेक्ट द लॉन्ग कार्बन चेन. ये हमने लॉन्ग कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया. ओके तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 देयर इज 6 कार्बन ओनली. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन हियर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो वी हैव टू सेलेक्ट लॉन्ग कार्बन चेन. तो फर्स्ट रूल इज क्लियर, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन रूल. नाउ नेक्स्ट पॉइंट सेकेंड रूल. सेकेंड रूल क्या है आपका, रूल फॉर लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन. अब आपको क्या करना है, रूल्स फॉर लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन. ठीक है, सपोज आपके कार्बन एटम इक्वल है तो हमें क्या करना होगा, लार्जर नंबर कार्बन एटम होनी चाहिए, लार्जर साइड चेन होनी चाहिए, लार्जर नंबर साइड चेन. तो सपोज देर इज एग्जाम्पल CH3, CH, CH, यहाँ हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें आपको बताना है कौन सी चेन हमें सेलेक्ट करनी है. CH3, CH, CH2, CH3. ओके नाउ CH2, CH3. अब सेकंड क्या होगा, सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन रूल देखा, अब रूल्स फॉर लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन. अब आप इस चेन को सपोज करें 1, 2, 3, 4, 5 स्ट्रेट चेन अगर हमने सेलेक्ट कर लिया तो ये आपकी कंडीशन ये होगी. तो वन और टू सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हियर. इफ वी टेक 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन, ये भी आपके कितने 5 कार्बन होगा, सेम होगा ये. तो अगर आप ये सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स सी इफ वी सेलेक्ट आई मार्किंग फ्रॉम रेड मार्कर. इफ वी सेलेक्ट दिस चेन, अगर हम ये रेड मार्कर वाली चेन को सेलेक्ट करते हैं तो क्या होगा, देखो 1, 2, 3, 4, 5 केवल आपके पास एक ही सब्स्टिट्यूएंट है. और अगर हम ब्लैक वाली सेलेक्ट करते हैं चेन तो हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट है. तो फर्स्ट तो लॉन्गेस्ट चेन आपको सेलेक्ट करनी है. अगर कंडीशन आपके पास ऐसी आती है कि आपके हर कंडीशन में इक्वल नंबर में कार्बन एटम है तो आपको क्या करना होगा, जिसमें मोर सब्स्टिट्यूएंट हो वो आपको सेलेक्ट करनी. तो यहाँ कौन सा सेलेक्ट करेंगे, मोर सब्स्टिट्यूएंट किसमें प्रेजेंट है, ब्लैक में. तो अगर नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से होगी बेटा, नंबरिंग स्टार्ट, फिर इसे कंप्लीट कर ले दोबारा, CH, CH2, CH3, CH2, CH3. ओके तो नाउ स्टार्ट नंबरिंग, ये हो गया आपका. ओके तो देयर इज टू सब्स्टिट्यूएंट. तो रूल्स फॉर लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन. तो सेकेंड रूल इज क्लियर, तो वी विल डिस्कस वन बाई वन.
Now next step. What is the next step? Third point. The third rule. Third rule is position of the substituent. अब आपको इनकी position बतानी है. Position of the substituent. Now next rule. Third rule. Third rule is position of the substituent. Position of the substituent. तो जो हम नंबर लिखते हैं उसे हम कहते हैं locant. Position of the substituent means आपको locant बताना है. Locant का मतलब position बतानी है आपको, कहाँ स्थित है position. ठीक है, जिसे हम डिनोट करते हैं किसी नंबर से, डिनोटेड बाय नंबर. तो नेक्स्ट रूल, तो व्हाट इज द नेक्स्ट रूल, यू कैन डिस्कस, वी विल डिस्कस अबाउट रूल्स फॉर द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट. तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, वी विल डिस्कस नाउ. लेट्स सी, CH3, CH2, CH2, CH3, then CH and CH3. Now this is the example. So position 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. There is similar chain. We can take this chain. तो ये आपकी होगी continuous long chain select हो गई. एक substituent है, आप कोई भी कंडीशन ले लें, ये लेंगे वर्टिकल लोगे तो भी आपकी वो एक ही मिथाइल ग्रुप रहेगा, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है. अब पोजीशन हमें इसको देनी है, तो पोजीशन 1, 2, 3, 4 क्या पोजीशन है? 1, सॉरी पोजीशन अब दोबारा देखें इसे. लेट्स सी द पोजीशन. पोजीशन आप यहां से स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5. ओके, अगर हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड 1, 2, 3, 4, तो इसे कौन सा नंबर मिलेगा? 4. तो पोजीशन आपको कैसे बतानी है? नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम वेयर द सब्स्टिट्यूएंट गेट द लोअर नंबर. आपको नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले. तो सबसे कम नंबर कब मिलेंगे? तो 1, 2, 3, 4, 5. तो टू पोजीशन, ये जो टू पोजीशन है इसी को कहते हैं हम locant, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द locant रूल. locant रूल, तो locant क्या होता है? पोजीशन को इंडिकेट करता है. तो इसकी पोजीशन क्या हो गई? टू. नाम क्या होगा इसका? टू पोजीशन पर मिथाइल है, टू मिथाइल एंड 5 carbon pentane. टू मिथाइल पेंटेन. इट्स क्लियर द थर्ड रूल, पोजिशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट. नाउ फोर्थ रूल, लोएस्ट सेट ऑफ locant रूल. लेट्स सी द लोएस्ट सेट ऑफ locant रूल. लोएस्ट सेट ऑफ locant रूल. locant रूल आपको समझ में आ गया? पोजिशन जो इंडिकेट करते हैं उसको हम कहते हैं locant रूल. Now next point, which is the number, fourth number, the fourth rule. Fourth rule is lowest locant rule. So what is the lowest locant rule? We take, we are taking an example, let's see, CH3. CH2, CH3, CH2, and here we can write C2H3 and CH2, CH2, CH3. तो हाउ मेनी कार्बन हियर? वन फर्स्ट
1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन इस चेन में, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन है इस चेन में, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन है इस चेन में, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगेन देर इज 6 कार्बन. सो वी हैव टू सेलेक्ट फर्स्ट एनी चेन. तो इफ वी सेलेक्ट दिस चेन, अगर आप इस चेन को सेलेक्ट करते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6 देर इज बल्की ग्रुप. सो वी हैव टू सेलेक्ट लॉन्ग कार्बन चेन एंड स्ट्रेट चेन. देर इज टू सब्स्टिट्यूएंट, दो सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ. इस चेन को हमने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया. अब लोएस्ट लॉक एंड रूल देखिए, 1, 2, 3 पोजिशन, 1, 2, 3, 4 पोजिशन. तो आप स्टार्ट करें, देखो किस तरह आपको स्टार्ट करना है. नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ओके, नंबरिंग देखिए, 3 पोजीशन मिथाइल, 4 पोजीशन इथाइल, 5, 6, 7. तो व्हेन वी स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम हियर 1, 2, 3 एंड 1, 2, 3, 4. सो व्हाट इज द लॉक एंड रूल, इफ वी स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हियर 1, अगर आप नंबरिंग यहां से स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3 देन 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 plus 3 equal to 7. And 5 plus 4 equal to 9. So this is the lowest. This is the lowest locant rule. Lowest locant rule. क्लियर? तो नंबरिंग आपको इधर से करनी चाहिए जहां से उसे लोएस्ट लॉक एंड ग्रुप. तो 1, 2, 3, 4 नंबर पर यहाँ है ग्रुप, या 1, 2, 3 नंबर पर है. तो 3 plus 4 एंड 5 plus 4. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट रूल इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द साइड चेन. फिफ्थ नंबर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ साइड, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ साइड चेन. व्हाट इज द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यू कैन टेक अगेन दिस एग्जांपल लाइक दिस. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is correct. And this numbering is incorrect. And this is incorrect. 1, 2 position is incorrect because there is a highest locant rule. Soon, alphabetical order of side chain. Alphabetical order, how to write alphabetical order? Alphabetical order. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alphabetically ethyl and methyl. So how to write its name? 4-ethyl. And next example, 4-ethyl, 3-methyl, 4 पोजीशन पर आपका इथाइल जुड़ा हुआ है, 4-ethyl हो गया. अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, एम बाद में आता है. तो 4-ethyl, 3-methyl and 7 कार्बन को हम बोलते हैं हेप्टेन. हेप्टेन. सो दिस इज द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. वी कैन टेक अनदर एग्जांपल फॉर दिस. इसके लिए हमें एक और एग्जांपल ले सकते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर. राइट डाउन दिस एग्जांपल. नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, नेक्स्ट एग्जाम्पल वी कैन टेक
suppose CH3, CH, Cl, CH, Br and CH3. So how to write its name? कैसे आप इसका नाम लिखेंगे? One position, two position. One position, two position. ठीक है? तो नंबरिंग हमें किस साइड करनी है? जहां से B पहले पास पड़ेगा, क्लोरो C, क्लोरो का अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा क्लोरो C, ब्रोमो का क्या यूज में लेना है हमें? ब्रोमो का B. तो व्हाट इज द नेम? ABCD 1 2 3 4. व्हाट इज द नेम? 2-bromo. इट्स नेम इज 2-bromo एंड 3-chloro. 2-bromo, 3-chloro एंड 4-carbon इज ब्यूटेन. क्लियर इट्स नेम? तो व्हाट इज द अल्फाबेटिकल ऑर्डर? ABCD के अकॉर्डिंग आपको नाम देना है. 1 2 3 4. तो इट्स नेम इज 2-bromo 3-chloro-butane. नाउ इट्स क्लियर अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ साइड चेन. नाउ नेक्स्ट रूल इज प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन सेम सब्स्टिट्यूएंट. अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है सेम, तो हम क्या लगाते हैं उसमें? डाई, ट्राई, टेट्रा, ये यूज में लिखते हैं. तो नाउ राइट डाउन द 6 पॉइंट एंड 6 रूल. सो इट्स क्लियर अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ साइड चेन. 4-ethyl-3-methyl-heptane एंड देयर इट्स नेम इज 2-bromo 3-chloro-butane. दिस इज 3-chloro-butane. नाउ नेक्स्ट रूल. व्हाट इज द नेक्स्ट रूल? नेक्स्ट रूल ऑफ 6 पॉइंट. राइट डाउन 6 पॉइंट. प्रेजेंस ऑफ मोर देन सेम सब्स्टिट्यूएंट. 6 रूल इज प्रेजेंस ऑफ मोर देन सेम सब्स्टिट्यूएंट. तो वी हैव टू यूज डाई फॉर टू. अगर टू सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो डाई यूज मिलेंगे. नाउ ट्राई फॉर थ्री. अगर थ्री है तो ट्राई. टेट्रा फोर है तो आपको क्या लेना है? टेट्रा. एंड 5 पेंटा. सो ऑन हेक्सा पेंटा 4 5. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. यहां हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. क्या एग्जाम्पल है देखो बेटा. CH3 एंड CH3. तो 1 2 3 4 4 कार्बन. 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑल आर सेम. तो वी कैन सेलेक्ट दिस चेन. हम ये चेन सेलेक्ट कर सकते हैं. ये हमने चेन सेलेक्ट कर ली. अब आपको नंबरिंग किस तरह स्टार्ट करनी है? अगेन स्टार्ट 1 2 3 4. 2 and 3 पोजीशन पर सेम ग्रुप है मिथाइल मिथाइल. तो आपको किस तरह नाम लिखना होगा? 2-3-dimethyl. ओके डाई मिथाइल एंड 4-carbon ब्यूटेन. तो इट्स नेम इज क्लियर 2-3-dimethyl-butane. डाई ट्राई पेंटा इनका जो फर्स्ट वर्ड है डी पी टी एंड टी नॉट यूज इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर.
आपको इसे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में यूज में नहीं लेना है, डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो डाई जब भी आपका दो सब्सटीट्यूएंट जुड़े हुए हैं, डाई लगा रहे हैं, ट्राई लगा रहे हैं, टेट्रा लगा रहे हैं, तो आपको उसे अल्फाबेटिकली नहीं चेक करना है, आपको अल्फाबेटिकली सब्सटीट्यूएंट देखना है, मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, दोनों की पोजिशन डिफरेंट है, इसलिए हम डाई ट्राई टेट्रा यूज में ले रहे हैं। तो डाई ट्राई टेट्रा नॉट यूज इन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। सो इट्स क्लियर व्हाट इज द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन सेम सब्सटीट्यूएंट। तो डाई ट्राई एंड टेट्रा आर यूज। नाउ इट्स क्लियर ऑल ऑफ यू। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेमिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट, द सेवन रूल। तो वॉट इज द सेवन रूल? द नेमिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट। तो वॉट इज द कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट? यू कैन टेक फर्स्ट पॉइंट। इन फर्स्ट पॉइंट यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू दिस, वेन द पेरेंट कार्बन चेन कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, देर इज 9 कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कार्बन। ओके, तो फर्स्ट सेलेक्ट द लॉन्ग कार्बन चेन। सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट का नाम क्या देंगे? ये कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट है, वन पोजिशन पर ये अटैच है, तो ये आपका जो है वो क्या, कौन सा ग्रुप है? ये कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट, दिस इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट। इन विच पोजिशन इट अटैच? फर्स्ट पोजिशन। तो वन पोजिशन पर आपका ये कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट? टू मिथाइल प्रोपाइल। तो वन पोजिशन है, दिस इज वन पोजिशन, वन टू, तो वन टू एंड थ्री कार्बन, दिस इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट। तो सेलेक्ट द लॉन्ग कार्बन चेन, ये हमने लॉन्ग कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया। ओके, दिस इज द लॉन्ग कार्बन चेन। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम हियर, वन टू पोजिशन, एंड हियर वन टू थ्री फोर फाइव पोजिशन पर सब्सटीट्यूएंट है, यहाँ टू पोजिशन पर है, तो नंबरिंग हम इधर से स्टार्ट करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 कार्बन को क्या बोलते हैं? डेकेन। तो क्या नाम होगा इसका? ये उसका है कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट को फर्स्ट रूल आपको क्या लिखना है? नेमिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट, इन फर्स्ट रूल द कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट, दिस इज द कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट, गिव द वन पोजिशन। तो वन पोजिशन पर ये अटैच है, तो इट्स नेम इज, क्या नाम होगा इसका? 2,3 डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल। एंड नेक्स्ट वन टू पोजिशन पर आपका मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 2 मिथाइल एंड हाउ मेनी कार्बन? 3। तो व्हाट इज द नेम? 2 मिथाइल प्रोपाइल। नाउ 2 मिथाइल प्रोपाइल, और ये जो सब्सटीट्यूएंट होगा उसे आपको इस तरह क्या करना है? ब्रैकेट में लिखना है। तो 2 मिथाइल प्रोपाइल, तो 2 मिथाइल प्रोपाइल, तो ये आपका ब्रैकेट में हो गया। पोजीशन क्या है? 6। तो हम ये क्या लगाएंगे? पोजीशन 6। तो 2,3 डाई मिथाइल, 6 पोजीशन पर आपका ये ग्रुप अटैच है, 2 मिथाइल प्रोपाइल। एम तो दोनों में कॉमन है, उसके बाद पी आएगा, इसलिए हमने प्रोपाइल को यहाँ लिखा है, 2 मिथाइल प्रोपाइल। और इसको क्या कहते हैं? डेकेन, DECANE। तो फर्स्ट रूल समझ में आ गया, कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट का नाम कैसे लिखना है। कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट में सबसे पहले आपको लॉन्ग कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, उसके बाद जहां कॉम्प्लेक्स आपका जुड़ा हुआ है उस कार्बन को आपको वन नंबर देना है, 1, 2, 3 पोजीशन, जो भी पोजीशन होगी। सो क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, बी पॉइंट। अब बी पॉइंट में आप देखिए,
सबसे पहले आपको ये सेलेक्ट करना है कि अगर आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी 9 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो सबसे पहले आपको लॉन्ग कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें आपके मैक्सिमम ग्रुप होने चाहिए सब्स्टिट्यूएंट के। तो मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट देखो आपके इसी चेन में आ रहे हैं। अगर हम ये चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, दिस चेन इफ वी सेलेक्ट, तो ये आपकी चेन हो गई, ये चेन हमने सेलेक्ट कर ली। तो दूसरा रूल समझ में आ गया। सेकेंड रूल क्या है, सेलेक्ट द लॉन्ग कार्बन चेन विच कंटेन मोर सब्स्टिट्यूएंट, जिसमें सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे वो सेलेक्ट आपको करनी होगी। आप तो सेलेक्ट करके देखें, अगर हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सेलेक्ट किया तो आपके पास केवल फंक्शनल ग्रुप कम रहेंगे, सॉरी सब्स्टिट्यूएंट कम होंगे। अब देखिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो ये पोजिशन आपको समझ में आ गई। यहाँ आपका 1, 2, 3, 4 टू पोजीशन पर इथाइल है, ये जो अपना सब्स्टिट्यूएंट है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया ये, इसका नाम क्या होगा, टू पोजीशन पर इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो 1, 2 एंड 1, 2, 3, 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटाइल। तो टू इथाइल ब्यूटेन। सो इट्स क्लियर व्हाट इज इट्स नेम, हाउ टू राइट। अब फाइव पोजीशन पर, कौन सी पोजीशन पर है ये, फाइव पोजीशन पर, तो कैसे लिखोगे इसका नाम, फाइव ओके डैश टू इथाइल ब्यूटेन हो गया सब्स्टिट्यूएंट का नाम। नेक्स्ट 1, 2, 3, 3 डाइमिथाइल। अब 3, 3 नेक्स्ट 3, 3 डाइमिथाइल एंड डेकेन। सो क्लियर इट्स नेम, दोबारा देखें कैसे लिखना है। फाइव पोजीशन पर कॉम्प्लेक्स जुड़ा हुआ है, उस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, टू इथाइल ब्यूटिल। क्लियर, ई अल्फाबेटिकली एंड हियर एम, डी आपको नहीं यूज में लेना है, एम को देखना है, ई पहले आता है इसलिए हमने लिखा है फाइव पोजीशन टू इथाइल ब्यूटाइल एंड 3, 3 डाइमिथाइल डीकेन। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट सी। अब इस पॉइंट में आप क्या देखेंगे, नाउ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इफ वी सेलेक्ट दिस चेन, अगर आप इस चेन को सेलेक्ट करते हैं और नंबरिंग आपकी स्टार्ट कहाँ से होगी बेटा, नंबरिंग सब्स्टिट्यूएंट जहाँ पास होगा 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ से 1, 2, 3, 4 एंड 5 ओके। तो दोनों में से आपका कौन सा ग्रुप अल्फाबेटिकली पहले आता है, इसका क्या नाम है, 1, 2, 1, 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। 1, 2, 1 पोजीशन 2 पोजीशन एंड 3 कार्बन तो इस सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम होगा, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है 1, 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल ओके। और ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है अपना, इथाइल। अब देखिए 1, 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, अब यहां आपको डी कंसीडर करना है, क्यों करना है, क्योंकि ये पूरा एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ अलग अलग नहीं है। डाइमिथाइल में तो पोजीशन अलग अलग थी इसलिए हम डी टेट्रा ट्राई ये कंसीडर नहीं करते, लेकिन यहाँ 1, 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल में आपको डी को कंसीडर करना है। तो किस पोजिशन पर अटैच है ये, फाइव पोजिशन पर। तो अब आप नाम बता सकते हैं, फाइव पोजिशन हो गई, फिर आप डैश लगाओगे, फिर क्या लिखोगे, 1, 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल
ओके। और इथाइल आपका किस पोजीशन पर है, आप इथाइल देखिए, इथाइल आपके किस पोजीशन पर है बेटा, सिक्स पोजीशन। प्रोपाइल के बाद इसको आप ब्रैकेट में बंद कर देंगे, हमेशा आपको कॉम्प्लेक्स को ब्रैकेट में लिखना है। फिर सिक्स पोजीशन पर आपका कौन सा ग्रुप आ जाएगा, इथाइल। सिक्स पोजीशन पर इथाइल, टेन कार्बन को हम क्या कहते हैं, डीकेन, डीकेन। ठीक है, समझ में आ गया। दोबारा देख लें, जब हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, सबसे पहले आपको लॉन्ग कार्बन चेन देखनी है, जहां आपका सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उस कार्बन से, जिस कार्बन से वो अटैच है उसे हम वन नंबर लिखेंगे। तो ये सी एच से अटैच है तो वन टू थ्री, तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया। नेक्स्ट आपने क्या देखा कि हमें वो लॉन्ग कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो, सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट थ्री है यहाँ, तो इस तरह आप लिखेंगे। थर्ड आपने क्या देखा कि अगर आपके जो सब्स्टिट्यूएंट है वो इक्वल पोजीशन पर है तो आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर यूज में लेना है। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में यहाँ ये एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए डाई में से डी आपको अल्फाबेटिकली पहले लेना है और इथाइल का ई बाद में आएगा। तो क्या नाम हो जाएगा बेटा, फाइव, फाइव पोजीशन पर अटैच है, वन टू डाई मिथाइल प्रोपाइल, सिक्स इथाइल डीकेन। अब जैसे हमने अभी चेन पढ़ी थी, इस ब्रांच चेन में दो सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे थे, तो डाई टू होते हैं तो डाई, थ्री होते हैं तो ट्राई, फोर होते हैं तो टेट्रा। इसी तरह कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में भी आपके अगर सेम होते हैं दो सब्स्टिट्यूएंट, अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे हैं तो हम बिस लगाते हैं। बिस कब लगाते हैं, फोर टू, फोर टू कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ट्रिस लगाते हैं, ट्रिस कब लगाएंगे, जब थ्री सब्स्टिट्यूएंट कॉमन होंगे। तो कॉमन सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जब थ्री कॉमन है तो ट्रिस लगाएंगे, चार कॉमन है टेट्राकिस, पांच कॉमन है पेंटाकिस। तो बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, ये हमें कब यूज में लेना है, जब हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करते हैं। तो इट्स क्लियर, तो व्हाट इज द नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया, आई थिंक इट्स इनफ। तो टुडे क्लास इज इनफ नाउ। Thank you. Have a nice day.